यूट्यूब चैनल अहिराउल एजुकेशन में आज मैं क्लास 8 का जेसीआरटी हिंदी का 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो एग्जाम में आएंगे। ये देखिए 50 क्वेश्चन का आपका रहेगा हिंदी में समान निर्देश है। चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आपको कुल 50 प्रश्न का क्वेश्चन रहेगा, कुल 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस स्टेप का है, गलत उत्तर के लिए आपको कोई अंक काटा नहीं जाएगा, टेंशन मत लीजिए एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं हम लोग। अब पहले स्टेप को आपको गद्यांश मिलेगा, गद्यांश को इसको पढ़ लेना है और फिर आंसर आपको लिखना है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। संघवाद प्रवेश, महाराज अशोक की जय हो, शुभ सवाम है, गुप्तचर समाचार लाया कि कलिंग महाराज लड़ाई में मारे गए। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या बता रहा है, पूछ रहा है उपरोक्त पंक्तियों का लेखक कौन था। इसका लेखक कौन था, ए ज्ञान रंजन, बी वसीघर सिरवा सातव, सी प्रेमचंद, डी रामचंद्र शुक्ला। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा बी, बसिंघर सत सिराग तो। और टू नंबर देखते हैं, कौन आज भी जीत नहीं सका, ए वर्मा, बी नेपाल, सी कलिंग, डी चीन। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सी नंबर। अब चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ देखिए, अब इसमें क्या करना है, कक्षा में प्रथम आने पर अपने पिता के लिखे गए इस पत्र को छूटे गए अंक को भरिए, जो प्रश्न 3 और 4 तथा 5 के रूप में बॉक्स की थे, पूज्य पिताजी। मैं यहाँ सुकुल सकुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप इस सभी कुशल होंगे। आज मेरे विद्यालय की वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ, आपको यह जानकर हृदय सुमकनाए होगी कि मैंने कक्षा में प्रथम स्थान पर प्राप्त किया है। आपको आशीर्वाद है कि कुशल मार्गदर्शन के कारण संभव हो पाया। माता जी को प्रणाम, छोटे भाई को प्यारा प्रणाम। आगे आपका आगे का रिपोर्ट काखागढ़ दिनांक। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। एक आपका 3 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, 3 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर सही। अब 4 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी प्रसन्नता। अब 5 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर आशीर्वाद। सब आप नोट करते जाएगा, एग्जाम में यही 50 क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो एग्जाम में आने वाले। तो हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए व्याकरण से है, व्याकरण खंड। तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द है, ये तो आप बहुत आसान जानते भी होंगे। तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, सी नंबर है, क्या सरिता, नोट करते जाएगा। और 7 नंबर का क्या है, चंद्रमा, चंद्रमा शब्द पर्यायवाची शब्द होगी, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बी नंबर राशसी। अब 8 नंबर देखते हैं, सी शब्द का तत्भव रूप कौन सा होगा, सी शब्द का तत्भव कौन होगा, इसका हो जाएगा ए नंबर सीर। सब नोट करते जाइएगा, एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब 9 नंबर देखते हैं, वह थी एक मजदूर, इस वाक्य में मजदूर है, पूछ रहे इसमें कौन सा मतलब, ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी क्रिया, डी क्रिया विशेषण, इसमें कौन है, कौन मजदूर का वाक्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। अब 10 नंबर देखते हैं, करण कारक का विभक्त चिन्ह होगा, करण कारक का विभक्त चिन्ह होगा ए ने, बी कर्म, सी से, डी से पर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब 11 नंबर देखते हैं,
हंसते हो मुख वाला शब्द समूह के बदले एक शब्द होगा। हंसते हो मुख वाला शब्द का समूह के बदले एक शब्द होगा। इसका ए हठीला, बी ए हठीला, बी हसोढ़ा, सी हसमुख, डी हटपन। इसका सही आंसर हो जाएगा सी हसमुख। अब 12 नंबर देखते हैं। हसीतन को साफ मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ए असली मित्र, बी कपटी मित्र, डी व्यापार प्यारा मित्र, डी अनिमित्र और को भी अनिमित्र। इसका होगा बी। अब 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर का परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? ए परपका उपकार, परोपकार पल, बी पर प्लस उपकार, सी परो प्लस उपकार, डी परोपकार परो प्लस कार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, नोट करते जाएगा। अब 14 नंबर देखते हैं। खेल खेल कूद किस प्रकार का समास है? ए दिघु, बी द्वंद, सी बहुव्रीहि, डी क्रमधारय। आपका इसका सही आंसर हो जाएगा बी द्वंद। अब 15 नंबर, जब शब्द विलोम होगा तो ए परतंत्र, बी पराजय, सी पवित्र, डी अशांति। तो इसका क्या होगा? बी नंबर पराजय सही आंसर। और 16 नंबर देखते, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? ये तो आसान ही है, डी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, डी नंबर हो जाएगा कवित्री। और 17 नंबर, मैं भी बहुत भयभीत था, इसे वाक्य कब प्रवेशित होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर भी। अब 18 नंबर, उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा? डायरेक्ट आपको आंसर बताते जाते हैं। इसका होगा 18 नंबर को हो जाएगा आपका सी नंबर उ। वीडियो लंबा नहीं होने से हम डायरेक्ट आपको आंसर बताते जा रहे हैं। अब 19 नंबर, उपकार शब्द में किस उपसर्ग का संयोग परोपकार शब्द बना है? ए इसका हो जाएगा 19 को हो जाएगा आपका बी नंबर पर। अब 20 नंबर देखते हैं। मजदूर शब्द का ई प्रत्यय लगाने से नया शब्द कौन सा बनेगा? ए मजदूर, बी मस खरीद, सी मजबूती, डी मजबूतियाँ। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए मजदूरी। अब 21 नंबर, पुष्प की अभिलाष, पुष्प की अभिलाष से कविता के पुष्प किसके प्रति समर्पित है? ए मातृभूमि और वीर, बी किसान, सी देवी देवता, डी सुर बाला। इसका सही आंसर हो जाएगा ए मातृभूमि और वीर। और 22 नंबर, छोटा जादूगर कहानी के कहानीगर थे, छोटा जादूगर के कहानी कौन थे? ये तो आसान ही होगा, ए मुंशी प्रेमचंद, सी सूर्यकांत त्रिपाठी नराला, सी जयशंकर प्रसाद और डी महादेव टिप्पो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अब 23 नंबर देखते हैं। कार्निवल के मैदान का माहौल कैसा था? ए खुशनुमा, बी विषादनुमा, सी नीरस, डी अजीब। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर खुशनुमा। अब 24 नंबर देखते हैं। किसका जबर सबसे भयानक होता था? किसका जबर सबसे भयानक होता था? ए सत्यंग, बी कुसंग, सी सच्चाई, डी अच्छा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी कुसंग। अब 25 नंबर देखते हैं। किस अवस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है? मतलब तो कौन सा उम्र में आपको दोस्त के साथ ज़्यादा घूमने मन करता है, रहने मन करता है? तो इसका सही आंसर हो ए है युवावस्था, बी बालपन, सी छात्रावस्था, डी वृद्धावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए युवावस्था। युवावस्था में यानी 11 से 19 साल में आपको दोस्त के साथ बहुत रहना पसंद करते हैं आप।
तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये पार्ट वन था, पार्ट टू में देखिए 26 से आपको आगे बताऊंगा। इसका पार्ट टू का वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप जाकर देख लीजिएगा। इसमें 25 क्वेश्चन बताया हूँ, पार्ट टू में 25 क्वेश्चन सॉल्व कर दूँगा और जाकर देख लीजिएगा। जय हिंद जय भारत।